हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सुपर आइडिया में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ऐसी ही वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि लेद मशीन के ऊपर है। किस लीवर से क्या चीज़ होता है ये फुल एक्सप्लेन में मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके आरपीएम जो इसकी चाल रहती है, इसके आरपीएम जो है हम कहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं और कहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये जो लीवर आप देख रहे हैं, इस लीवर से हम आरपीएम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें मशीन को ज़्यादा फास्ट चालू करना है तो हम इसके आरपीएम को बढ़ा देंगे। और बढ़ाने से हम ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इस बेल्ट से हम आरपीएम को बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए, मैं इस लीवर को ऊपर करूँगा और इसकी बेल्ट जो है लूज हो जाएगी। ये देखिए, देख पा रहे हैं, अब बेल्ट जो है लूज होगी। अब इसको हम क्या है कि इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हम किसी भी कम भी कर सकते हैं आरपीएम और इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब इसके हम बैक साइड में चलते हैं। इसके बैक साइड में आप देख रहे होंगे ये जो गियर लगे हुए हैं, ये सब हमें जो है कि मैन्युअली करना पड़ता है। ऑटोमेटिक लेद में क्या होता है कि एक ठो लीवर लगा रहता है जो कि यहाँ पे लगा रहता है, तो उसमें एक से लेके नौ तक गिनती रहती है। जिस भी गेज का हमें जो थ्रेड कटिंग करना है, चूड़ी कटिंग करना है, हम उस प्रकार से उस लीवर में हम उसको उस नंबर पर लीवर हम सेट कर देते हैं, तो हमारा जो गियर है वो ऑटोमेटिकली जो सेट हो जाता है। लेकिन इस लेद में जो है कि हमें मैन्युअली सेटिंग करना पड़ता है। देख रहे हैं किस प्रकार से ये गियर जो है मैंने सेटिंग की हुई है, ठीक है। और ये जो हेड स्टॉक देख रहे हैं आप, इसको हम अपने हिसाब से जो है कि लेफ्ट राइट मूव भी कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर एक ठो नट लगा रहता है। आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए अंदर में नट लगा हुआ है, तो उसकी मदद से हम इसे जो है लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। और एक तो इसके अंदर है, ठीक है, एक पीछे एक अंदर है। तो ये क्यों मूव करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा हेड स्टॉक जो है कि जॉब में, मान लीजिए जैसे ये जॉब है, इसमें अगर हमें टेपर आ रही है, यानी कि इधर टेपर आ रही है या फिर इधर फ्रंट में टेपर आ रही है, तो हमें वहाँ से सेटिंग इसको करनी पड़ती है। अगर इसको इसकी वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखी हुई है। अब हम आ जाते हैं ये लीवर में, ठीक है। ये दो ठो लीवर आप जो देख रहे हैं, इसमें इस लीवर से जो है कि हम अगर इसको इधर को मूव करते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये जो लीड स्क्रू है ये ऑफ है, ठीक है। अब इसको अगर हम लीवर को इधर कर देते हैं, ये देखिए इधर कर दिया, अब जो है हमारा लीड स्क्रू जो है ऑन हो गया है। अगर हम इसको इधर कर देते हैं तो हमारा लीड स्क्रू जो है ऑफ हो गया है, ठीक है। इस लीवर से ये फंक्शन स्टार्ट होता है। और इस लीवर से जो है टर्निंग वाली जो स्लाइड रहती है, इससे हम उसको फास्ट, स्लो, मीडियम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें स्टैंडर्ड लिखा हुआ, फास्ट लिखा हुआ, स्लो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके हम लीवर से हिसाब से हम अपना जॉब की जो रनिंग है उसको हम फास्ट स्लो कर सकते हैं। अब ये जो देख रहे हैं, ये इसे हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, ये वाली जो स्लाइड है इसे हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे एक तो और स्लाइड है, ये वाला देखिए, ठीक है, इसे सरफेस स्लाइड बोलते हैं। और इस यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह दिए गए हैं जो हम टेपर सेटिंग करते हैं। किसी जॉब में आप देखे होंगे टेपर, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आगे की ओर पतला है और पीछे की ओर मोटा है, इसे हम इसी से जो है टेपर सेटिंग करते हैं, ठीक है। उसी डिग्री के हिसाब से जो है कि हमें टेपर सेट करनी पड़ती है। इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड करके रखी हुई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि टेपर सेटिंग हम कैसे करते हैं, कैसे उसका साइज निकालते हैं, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो पे दे रखी है। और ये एक ठो जो आप देख रहे हैं, इसमें नंबर कुछ दिए गए हैं, तो एक से लेकर छः तक नंबर है। ये जो है थ्रेडिंग वॉच है, जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं तो इसका यूज हम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब ये है,
ये भी थ्रेडिंग लीवर है, अगर इसको जब तक हम ऊपर नहीं करेंगे तो हमारा जो ये स्लाइड है ये आगे की ओर मूव नहीं करेगा। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ। देखिए अभी ये थ्रेडिंग का जो लीड स्क्रू है ऑफ है, अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर की ओर मूव करता हूँ। ये देखिए किया, अब ये जो है आप देखिए ध्यान से ये चलने लग गया है। अब मैं इसको लीवर को नीचे कर देता हूँ, अब ये देखिए रुक गया है। और ये जो आप लीवर देख रहे हैं ये अप डाउन होता है, ये जो है हमारा ये स्लाइडिंग के लिए है जो कि टर्निंग के लिए काम आता है। ठीक है, अगर इसको हम निकाल करके नीचे वाले शेक में डाल देते हैं तो ये हमारा आगे की ओर मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।